गोंडा से खबर, जहां पर एसपी शैलेश कुमार पांडे की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसपी ने रिश्वतखोर दारोगा को निलंबित कर दिया है। यह बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में जिला गोंडा में, जहां पर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने रिश्वतखोरी पर बड़ा एक्शन लेते हुए एक दारोगा को निलंबित कर दिया है। दारोगा ने 10,000 रुपयों की रिश्वत मांगी थी। केस हल्का करने के नाम पर इस रिश्वत को एक दारोगा की तरफ से मांगा गया था और जिसके बाद में इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई और उनका निलंबन हो गया है। रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था। दारोगा के खिलाफ में विभागीय कार्रवाई भी शुरू हुई है। मोतीगंज थाने के दारोगा का ये ऑडियो बताया जा रहा है, तो एक दारोगा के ऑडियो के बुनियाद पर उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा गया और इस बाबत नई जानकारी क्या है। सब इंस्पेक्टर विजय यादव हैं, ये उनका बताया जा रहा है। इसमें अनुचित लाभ लेकर विवेचना को प्रभावित करने की बात प्रथम दृष्टिया सामने आ रही है। तत्काल प्रभाव से उक्त सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर और भी गंभीर कार्रवाई इनके विरुद्ध सुनिश्चित कराई जाएगी। तो एक बड़ी कार्रवाई रिश्वतखोरी के खिलाफ में, भ्रष्टाचार के खिलाफ में उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमे के अंदर देखने को मिली है, जहां पर एक दारोगा का एक ऐसा ऑडियो सामने आया था जिसकी बुनियाद पर यह कहा गया कि दारोगा ने रिश्वत की डिमांड की थी और इसकी बुनियाद पर एसपी ने, पुलिस महकमे के आला अधिकारी ने उस दारोगा का निलंबन कर दिया।